जैसा कि भैया ने अभी बंचे में तो बातें रखी दी हैं, अपने बारे में अगर परिचय के संबंध में कहूँ तो मेरा नाम आलोक है और गाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद, वहाँ पे मैं पिछले 8 सालों से हूँ। और अयोध्या का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, रिटायर्ड है, पिताजी टीचर थे। और परिवार में माता पिता के अतिरिक्त पत्नी, एक छोटा सा बेटा और छोटी बहन है मेरी। इस वस्तु से दिसंबर 2015 में संयोगवश मेरा परिचय हुआ और दिसंबर 15 से लेकर जून 2018 तक मैंने 3 से 4 वर्कशॉप्स जब भी मौका मिला वो मैंने अटेंड की। और जून 18 से वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेशन देते हुए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना तब शुरू हुआ, क्योंकि जो वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की उसमें बहुत सारा समय, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा मेरा समय प्रश्न को बनाने और प्रश्न को पूछने में बहुत सारा समय चला जाता था। बहुत ऐसा नहीं था कि समझने पर ध्यान नहीं था, लेकिन जो वास्तविकता बताने का प्रयास वर्कशॉप में हो रहा था या होता है वो एग्जैक्टली उस पर ध्यान नहीं जाता था कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब पूरे समय जो मेरे अंदर है और जो कहा जा रहा है उसका एक कंपैरिजन चलता रहता था। तो कोई व्यक्ति एक बात कह रहे हैं, उस बात को एज इट इज लेना और उसको जांचना, उसको जी कर देखना, ऐसा बहुत कम था। लेकिन 18 के बाद जब वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेशन अलग अलग तरीकों से शुरू हुआ तो ये बात समझ में आई कि जो बात कही जा रही है वो जो मैं समझ रहा हूँ और जो कहा जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। बात सीधे सीधे ये कही जा रही है कि आपको मानना नहीं है, जांचना है, जांच के अगर सह स्वीकृति के आधार पर है तो जी के देखना है। वो पोर्शन 2018 से शुरू हुआ और फिर जब सब्जेक्ट को पढ़ाया 2018 में ही, 17 से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 18 में वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करते करते ये समझ में आया कि जो मैं सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ उसमें भी बहुत सारी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कंसेप्चुअली बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तब फिर मुझे इस सब्जेक्ट को और बारीकी से पढ़ने और समझने की जरूरत महसूस हुई, अगर सच कहूँ तो। और 2020 में जब मैं पहली बार अभ्यास 1 और 2 शुरू हुआ ऑनलाइन माध्यम से, तो मैंने पहला जो सत्र हुआ था सबसे पहला वो अटेंड किए थे। और उसको अटेंड करके एक बार फिर ये समझ में आई कि इस विधि के द्वारा कुछ अपने में परिमार्जन हो सकता है, ऐसी संभावना मुझे नजर आई। लेकिन मुझे बहुत बात सीधे सीधे पकड़ में नहीं आई जो कही जा रही थी, जो सर कह रहे थे उसको, जो बार बार सर इस बात पर फोकस देते थे कि चीजों को वैसे ही देखिए जैसा कि है। तो जैसे अभ्यास 1 के स्टेप 1 में जो ये कहा जा रहा है कि आप ऑब्जर्व करिए बिना किसी, है ना, लगाव के, बिना किसी, है ना, तटस्थ होके अपने में क्या चल रहा है इसको ऑब्जर्व करिए, क्या आपके डिजायर में, थॉट में, एक्सपेक्टेशन में क्या चल रहा है इसको आप देखिए। तो मुझे बहुत स्पष्ट नहीं था कि आखिर किस वास्तविकता की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा उथल पुथल था। तो उससे पहले थोड़ी सी बात लेवल 2 में कल्पनाशीलता को देखने की होती थी,
तब भी मुझे बहुत स्पष्ट नहीं था। तो बीच में एक बार बात हुई थी, गोपाल भैया हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कल्पनाशीलता नहीं देख पा रहे हैं तो आपका उतना भी अभ्यास नहीं बन रहा है, तो क्यों ना व्यवहार को देखना शुरू करें, कार्य को देखना शुरू करें। वो मुझे ठीक लगा और वहां से मैंने जर्नी को शुरू किया कि ठीक है, ये तो मुझे दिखता है कि ये मेरा व्यवहार है, ये मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। वहां से मैंने देखना शुरू किया और जब एक्सरसाइज शुरू हुई और उसमें कल्पनाशीलता को देखने की बात आई, तो स्टेप वन को थोड़ा थोड़ा मैं कर पा रहा था, थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था, बट बहुत प्रयास करके करना पड़ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये कोई सहज प्रोग्राम मेरे लिए नहीं था, बहुत मतलब मुझे समय निकाल के बैठो और उसको अच्छा देखते हैं क्या है, ऐसा था। बट एक साल ये करते 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 अब की जो स्थिति है उसको अगर मैं शेयर करूं, तो मैं कम से कम 20 से 25 मिनट पूरे दिन में बड़े आराम से इस बात को अपने में है ना देख पाता हूँ, स्टेप फोन को देख पाता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। और इस बात को भी समझ पाता हूँ कि जो ये कहा जा रहा है कि देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे अपने में देख सकते हैं, वो काम भी हो पाता है, स्पेशली जब बिल्कुल अकेले मैं अपने साथ होता हूँ या वॉक कर रहा हूँ या बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ तो काफी समय काम के लिए मुझे मिल पाता है, लेकिन ये हो पाता है कि आखिर क्या चलता है। लेकिन उसमें भी जो बात कही जा रही स्टेप वन में कि बिना तटस्थ होके देखना, मतलब कि क्या चल रहा है, उसमें आप शामिल ना हो, जैसा चल रहा है वैसा ही देखें, वैसी स्थिति टुकड़ों में अगर मैं उसको टाइम के फ्रेम में देखूं तो 20-25 मिनट से अधिक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसमें अपने इनपुट के साथ होता हूँ, अपने फीलिंग को जोड़ के देखने लगता हूँ, मतलब वो सारे स्टेप एक साथ चल रहे होते हैं और उसको मैं अलग अलग करके नहीं कर पाता। जब मैं अकेले हूं और स्टेप वन को अपने आप में देखने का प्रयास करता हूं तो इस बात को भी देख पाता हूं कि आखिर कल्पनाशीलता में मेरी फीलिंग क्या है, और उसको मैं बहुत तेजी से अब देख पाता हूं। पहले नहीं उतना पकड़ में आता था, लेकिन अब मैं ये देख पाता हूं कि आखिर अगर मैं परिवार के संबंध में कोई चीज चला रहा हूं अपनी कल्पनाशीलता में तो मेरी फीलिंग क्या है, और साथ साथ ये भी देख पाता हूँ कि ये फीलिंग मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं। और इतना देखते ही फिर इस बात पे जरूर ध्यान जाता है कि अगर ये नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है, उसको है ना एक खोजने का प्रयास रहता है। और जैसा कि वर्कशॉप में बार बार जो हम पूछते रहते हैं या अपने में है ना जांचते परखते रहते हैं कि संबंध आपको सह स्वीकार है या नहीं, तो सारे सारी बातें पूछ के हम अपने आप को शांत तो कर लेते हैं, बट सच कहूँ तो पिछले 6 महीनों में स्टेप वन करते हुए बहुत सारी विसंगतियां अपने में देखने को मिली, और वो बहुत सारा अपने में दुख को भी है ना मैं देख पाया कि संस्कारों की स्थिति किस स्तर पर है, कि इतने सालों में काम करने के बाद भी एक बहुत बेसिक सी बात अपने को स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि संबंध मुझे सह स्वीकार है, बट कल्पनाशीलता का बहुत बड़ा हिस्सा विरोध के साथ होता है, और उस
में सबसे दुखदाई बात यह है कि हम जिसके बहुत करीब होते हैं उसको लेकर बहुत विरोध होता है। ऐसा स्टेप वन करते हुए मैं पाता हूँ, चाहे वो मेरे ऑफिस के लोग हों या परिवार के लोग हों, इवन कई बार 4 साल के बच्चे को लेकर भी एक विरोध की स्थिति होती है कि ये जब मैं इसको दवा लगाने के लिए जाता हूँ तो ये बेड के नीचे क्यों चला जाता है जिससे मैं इसको पकड़ ना सकूँ। तो ये सारा मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, और अच्छी बात है कि उस काफी समय के लिए बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के उसको देख पाता हूँ, और ये काफी उपकारी है। पहले तो मैं नहीं मानता था, जब मैंने पहली बार एक्सरसाइज की तो मैं ये जान ही नहीं पाता था कि आखिर इसका उपकार क्या है। भाई मैंने अगर देख लिया कोई चीज, जैसे क्योंकि मैं उसको बाहर के देखने से ही रिलेट करके देखता था कि जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और मैंने देख लिया कि ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें मेरा लाभ क्या है। मैं अगर उसमें समाधान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें लाभ क्या है। तो जो बाहर का देखना है और जो अंदर का देखना है वो मेरे लिए बिल्कुल एक जैसा था। मुझे लगता था कि ये ऐसे ही, उसकी वजह से मुझे जब मैंने शुरुआत में सुना तो मुझे बहुत लाभकारी नहीं लगता था। लेकिन जब 1-1.5 साल करीब करीब हो गया तो ये ऑब्जर्व करना और बिना उसमें अपने आप को फंसाए हुए, बिना अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए देखना, बिना उसको मीनिंग दिए हुए है ना ये देखना, वो बहुत उपकारी सेंस में है कि आप कुछ सही और गलत उसमें है ना उसको मतलब ना देते हुए आप सीधे सीधे ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और उससे मेरी कई सारी चीजों की इंटेंसिटी काफी कम हुई है। तो जैसे मेरे जो बॉस हैं या जो मेरे हेड हैं उनको लेकर मेरा जो विरोध था, मतलब जब भी मैं सोचता था किसी भी चीज के बारे में तो एक विरोध था, वो काफी रिड्यूस हो गया है। मतलब मैं तो इस बात से बहुत हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ कि वो काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। मुझे उनकी उनके ऊपर कई बार को है ना दया और करुणा का भी भाव आता है कि बेचारे कितने परेशान हैं, कितना सोचते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारा मैं उनको सहयोग दे पाता हूँ। कम से कम डायरेक्ट सहयोग नहीं देता हूँ तो इनडायरेक्ट सहयोग देने का प्रयास करता हूँ, और उसका सीधा सीधा सुख मैं अपने में देख पाता तो इस तरह से अगर बात करें कि कितने स्टेप को मैं अपने में देख पाता हूँ, तो स्टेप 1 को एक्चुअली अब मैं समझ पाता हूँ कि है क्या, और उसको कुछ देर कर पाता हूँ। उसमें भी क्या मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है इस बात को प्रायः मैं समझ जाता हूँ कि इसमें क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है मुझे, लेकिन अभी भी कुछ बहुत गहरे मुद्दे हैं परिवार से जुड़े हुए जहाँ मुझे बहुत इंटेंसिटी के साथ बहुत प्रयास करके देखना पड़ता है कि ये मुझे इसमें क्या मुझे सह स्वीकार है। और उसका मूल जो क्रक्स मुझे समझ में आता है कि अभी भी मेरा ध्यान बहुत सारा बाहर की घटनाएं जो हो रही हैं उस आधार पर सह स्वीकृति को देखने का है कि आप मतलब मैं कोई घटना हुई उस घटना में सह स्वीकृति क्या है इसको देखने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि वो एक दुविधा बनती, जबकि सीधे सीधे अपने में कल्पनाशीलता में देख के क्या मुझे सह स्वीकार है इस बात को है ना कहा जा रहा है। तो स्टेप 2 में जहां जहां मैं फंस रहा हूँ उसका क्या कारण है वो मुझे थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता है। और
ये भी देखने में आता है कि सहस्वीकारिता कई बार मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये भी है। मतलब मैं कह तो देता हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह उसमें देख मतलब सुन सुन के दे दे के उसको, है ना, काइंड ऑफ एक मानना, काइंड ऑफ एक रटना ना हुआ। तो काफी जगहों पर तो वो बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन जहां बहुत गहरी मानसिकता बनी हुई, बहुत गहरी मान्यता है, वहां बहुत सटीकता से वो आइडेंटिफाई। फिर स्टेप थ्री में जो ये बात कही जा रही है कि भाई हम, है ना, हारमनी में हैं या नहीं हैं, सुखी हैं या नहीं हैं, इस क्षण सुखी हैं या नहीं हैं, इस बात को देखने का, तो ये भी मैं देख पाता हूँ। और खासकर तब जब मैं सीधे सीधे कल्पनाशीलता को तटस्थ होकर देख पा रहा हूँ, बिना किसी रिएक्शन को देख पा रहा हूँ, तो मैं इस काम को ठीक से कर पाता हूँ और ये देख पाता हूँ कि मैं सुखी हूँ या नहीं। लेकिन ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, ये भी बात मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये दिखता है कि हाँ ये अभी हारमनी में, क्योंकि हारमनी मतलब सुख और आवेश में कंसेप्चुअली अंतर तो स्पष्ट है, लेकिन वो जब अपने में चलता है तो बहुत स्पष्ट नहीं है, मतलब बहुत मिक्स सा हो जाता है। तो अगर अपने मुताबिक कोई बात हो रही है तो वो आवेश है या सुख है, ये कंसेप्चुअली मुझे स्पष्ट है, लेकिन वाकई मैं सुखी हूं या वो आवेश है, वो बहुत जल्द वहां, जब तक वो काफी लंबा नहीं चल जाता और बहुत सारा उसमें जब तक ध्यान नहीं देते तब तक वो स्पष्ट नहीं होता। तो अभी भी ये स्थिति है ना स्टेप थ्री में बनी हुई है कि बहुत कम समय के लिए थोड़ा बहुत ग्लिम्स सुख का दिखता है और वो अपने आप में बड़ा तृप्तिदायक होता है। और ये भी मैं देख पाता हूँ कि ये जो सुख है वो जब मैं किसी का सहयोग कर रहा होता हूँ, प्रायः मैं तब उसे देख पाता हूँ कि ना, मैं मुझे कुछ ना, सहयोग मुझे सह स्वीकार है ना, क्योंकि विश्वास का भाव मुझे सह स्वीकार है। तो विश्वास के भाव के साथ उसकी अभिव्यक्ति में जब सहयोग के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ करता हूँ, तो अभी भी मैं ये देख पाता हूँ कि विश्वास के भाव में होता हूं तो सुखी होता हूं, ये मेरे लिए स्थिति नहीं बनी हुई। जब मैं सहयोग दे रहा हूं, कुछ कर रहा हूं और अगले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान को देख रहा हूं, तब मैं सुखी हो रहा हूं। ये अपने आप में एक स्थिति है जो कि ठीक है, लेकिन इससे पता चलता है कि अभी बाहर की बहुत सारी चीजों पर मेरा सुख निर्भर कर रहा है, और ये एक मिस्टेक है। मतलब जो मैं समझ पाया हूँ वो एक मिस्टेक इसलिए है कि किसी व्यक्ति का आप सहयोग कर रहे हैं, वो खुश हो रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, ये अपने आप में एक निर्भरता है। तो इससे पता चलता है कि निर्भरता में सुख की निरंतरता तो नहीं। तो ये जो सारे कंसेप्ट सुने हैं या इसको ऑब्जर्व किया है, वो अपने को, है ना, स्पष्ट होता है कंसेप्चुअली। तो ये बिल्कुल मुझे, है ना, स्पष्ट होता है, और इसको दिन में कई बार मैं कोशिश करके करता हूँ कि जब भी मुझे अच्छा लग रहा होता है कि ये क्षण ठीक है, तो इस बात को देखने का प्रयास करता हूँ कि ये क्षण हार्मनी का है या आवेश का है, इसको देखा जाए, और कंसेप्चुअली मैं उसको, है ना, देख पाता हूँ क्या हारमोनी है क्या आवेश है, लेकिन वास्तविकता के अर्थ में देखें तो वो मिक्स हो जाता है। स्टेप फाइव को देखने जाए तो जहां बहुत गहराई से मान्यता बैठी हुई है, जिन मुद्दों पर बहुत
है ना, गहरी मान्यता बनी हुई है। वहां अपने को है ना 5 और 6 दोनों को मैं मिला के देखने लगता हूँ, मतलब बहुत अलग अलग करके नहीं देख पाता। तो अगर इस पॉइंट पर मुझे है ना बात अपनी रखनी है कि स्टेप 1 और 2 में क्या क्लैरिटी बनी है, तो स्टेप 1 में अभी स्टेप एक्सरसाइज 1 में स्टेप 4 तक मैं कुछ है ना ठीक से कंसेप्चुअली भी और अपने में जो प्रायोगिक रूप में देख पाने का काम है वो भी कर पाता। 5 6 7 वो सब मिक्स होके चलता है और उसमें कई बार तो बहुत स्पष्ट नहीं होता। जैसे अभी मैं अपने बारे में ये बता देता हूँ कि मुझे अभी भी ये लगता है कि संबंध कई जगहों पर बिना विरोध के नहीं चलेगा, जबकि कंसेप्चुअली, और ये मेरे लिए बड़ी दुविधा का विषय है कि एक तरफ मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि विरोध से संबंध में तृप्ति तो नहीं है, विरोध से कुछ है ना हासिल नहीं होगा, इतने सालों में तो नहीं हुआ तो कैसे होगा, लेकिन ये बना हुआ कि विरोध करना आवश्यक है, यहाँ पर अगर नहीं किए तो कोई डोमिनेट कर जाएगा और नहीं डोमिनेट कर पाएगा तो दुख के कुछ पल तो दे ही जाएगा, और दुख मुझे सह स्वीकार नहीं है तो दुखी मुझे होना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विरोध करके कम से कम। लेकिन फिर तुरंत जब स्टेप 1 पर आता हूँ और उसमें फिर 2 3 4 तक जाता हूं तो ये समझ में आता है कि ये विरोध भी मुझे सह स्वीकार नहीं, लेकिन ये करते करते एक समय बीत जाता है, कम से कम है ना मिनट 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट कई बार ऐसा होता है कि वो बीत जाता है और उसी विरोध में बीतता है। तो अगर एक्सरसाइज 1 की बात करें तो मेरी स्थिति अभी इतनी है कि 1 को मैं अब समझ पाया हूं कि आखिर क्या करना है, 2 3 4 में 2 भी ठीक से मैं देख पाता हूं, लेकिन 3 और 4 में अभी मुझे और आवश्यकता महसूस होती है। 5 6 7 अलग अलग करके, मतलब कंसेप्चुअली तो ठीक है, मैं बिल्कुल देखता हूँ उस बात को कि ठीक ही, लेकिन वो मैं अपने में नहीं देखता। तो ये है मेरी अभी की स्थिति, और एक्सरसाइज 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो स्टेप 1 में ये बात कही जा रही है कि आई एम इन द स्पेस, शरीर और मैं दोनों स्पेस में संपृक्त हैं, तो ये बात कंसेप्चुअली मुझे ठीक लगती है, बट मैं स्पेस में हूं इस बात का कोई अपने में मुझे, ये क्या कहा जा रहा है, वास्तविकता क्या है, ये बहुत कंसेप्ट मुझे बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दुविधा नहीं मुझे, और ऐसा भी लगता है कि यही होगा ही, इसके अन्यथा क्या होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है स्टेप 2 में कि शरीर और मैं के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन थ्रू स्पेस होता है, तो शरीर की के संवेदी अंगों के द्वारा एक तरह की इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाई जाती है, और मैं बाध्य नहीं हूँ उन इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए, सभी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए जो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण होती हैं वो मैं पढ़ता हूँ, और जैसा मेरा संस्कार होता है उस आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ, जैसा कि वो स्टेप 3 में और 4 में कहा जा रहा है कि मैं हूँ जो डिसाइड कर रहा हूँ।
ये भी पहले ऐसा मुझे नहीं स्पष्ट था, लेकिन जैसे 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 अब इसको बहुत पर्पजली देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि इसमें निर्णय तो मेरा ही है। और इस विचार का अपना एक उपकार है कि ये मेरा ही निर्णय है। मतलब पहले जब स्टार्टिंग में ये बात कही जाती थी, तो मुझे लगता था कि इस बात को अगर मैं मान भी लूं कि ये मेरा ही निर्णय है, तो इससे क्या बदल जाएगा। बहुत सारे मेरे अपने मतलब दुविधा भरे सवाल थे, बहुत सारे अभी भी हैं। लेकिन जब सर ये कहते थे कि भाई ये देखिए कि आप निर्णय ले रहे हैं या शरीर निर्णय ले रहा है, तो लेकिन अब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, कुछ चीजों में अभी भी ऐसा लगता है कि शरीर ही निर्णय ले रहा है। लेकिन जब उसको मैं बहुत ना आराम से पर्पसली बैठ के देखता हूँ कि अच्छा ये निर्णय शरीर का है या मेरा है, तो चूंकि कंसेप्ट अपने को बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ शरीर तो निर्णय नहीं ले रहा, लेकिन जो ये 4 नंबर में कहा जा रहा है कि शरीर और मैं दोनों एक डिस्टेंस पर है, ये चूंकि अपना देखा हुआ नहीं है, ये सुना हुआ है, तो ये दुविधा 3 नंबर में बनी रहती है कि कौन निर्णय ले रहा है, क्योंकि ये दोनों सहअस्तित्व में हैं, दोनों जुड़े हुए हैं स्पेस के माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि शरीर कुछ करा रहा है। तो ये एक आवश्यकता भी दिखती है कि ये दोनों अलग अलग हैं, एक डिस्टेंस पर हैं, शून्य में संपृक्त हैं। जब तक इसको कम से कम एक स्तर की स्पष्टता के साथ है ना देख ना लिया जाए, तो तब तक ये दुविधा बनी रहेगी। स्टेप 5 में ये जो कहा जा रहा है कि सेंसेशन के माध्यम से मैं आउटसाइड वर्ल्ड को देखता हूँ, तो ये जो इंद्रियां हैं ये मुझे बाहर के संसार को देखने में मदद करती हैं। ये जितना जितना इस सेंटेंस को अपने में मैं देखने का प्रयास करता हूँ, उतना उतना शरीर के एक एक भाग को लेकर एक बहुत सजगता कि उसको स्वस्थ रखना है। और अगर मुझे बाहर का संसार देखना है, क्योंकि वो अभी भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो मुझे अपनी आंखें ठीक रखनी है, मुझे आंखें ये ठीक रखना है, क्योंकि इंटरैक्शन तो इन्हीं सेंसरी ऑर्गन से मिलने वाले इनपुट के आधार पर है ना करूँ। और इस कोरोना काल में बहुत सारा हम सभी को एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके तहत भी उस पर बहुत सारा ध्यान जाता है। और ये बात तो अब पढ़ा पढ़ा के और बच्चों से इंटरेक्ट कर करके और अपने बच्चे को भी देख देख के अब स्पष्ट हो रही है कि ये सारा जो खेल है वो संस्कार का है। और जब संस्कार कह रहे हैं तो बेसिकली उसकी वास्तविकता ये है कि मेरे में जो चल रहा है कल्पनाशीलता में, इच्छा में, विचार में, आशा में, उसको हम संस्कार कह रहे हैं। और उसका आधार मेरी मान्यता भी हो सकती है, मेरी है ना शरीर से आने वाला कोई इनपुट भी हो सकता है। अब बेसिकली शरीर से आने वाले इनपुट के साथ भी बहुत सारी मान्यता हम अपनी बनाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा दिखता है कि शरीर से आने वाले सेंसेशन में भी बहुत सारी मान्यता है, इसलिए उसको ऐसा कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2 में मैं कंसेप्चुअली तो इसको बिल्कुल ठीक मानता हूँ, और 2 और 3 को देखता भी कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 4 को लेकर एक दुविधा है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे है या नहीं है, बट वो भी कंसेप्चुअली ऐसा लगता है कि हाँ है। तो ये मेरी 2 एक्सरसाइज को लेकर क्या समझ बनी है वो है।
ईमानदारी से कहूं तो जैसे जैसे इन एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने पर ध्यान जा रहा है, वैसे वैसे संस्कारों की स्थिति कितनी नाजुक है और किस स्तर पर है वो दिखता है, और उसको लेकर बहुत सारा मैं दुखी भी होता हूँ। हफ्ते में जब अकेले में होता हूँ तो ये लगता है कि भले ही 1-1.5 घंटा ही प्रयास कर रहे हैं समझने को लेकर, लेकिन और लोगों से अधिक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो अपने में बहुत कष्ट भी होता है। लेकिन अब ये अपने ही द्वारा बनाया गया ये संसार है, स्पेशली जो अंदर का संसार है उसमें बहुत सारा तो मेरा अपना ही गढ़ा हुआ है, इनफैक्ट सारा ही अपना गढ़ा हुआ है। तो इस तर्क के साथ में अपने आप को थोड़ा सा समझने को लेकर और मोटिवेट होता हूँ कि भाई मेरा ही किया हुआ है तो मुझे ही इसको ठीक करना है। तो इतनी मेरी स्थिति है, बहुत साफ साफ तो मैं अपनी स्थिति नहीं रख पाया, लेकिन जितना मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आता गया सेशन 1 एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को लेकर, वो मैंने रखने का प्रयास किया। फिर 4 नंबर और 5 नंबर में जो मुझसे पूछा गया है कि भाई सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो ये जब मैं वर्कशॉप कर रहा था तब भी ये कंटेंट मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता था कि जब ये कहा जाता था कि सुख के सोर्सेस क्या हैं उसको है ना बताया गया, और वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि अगर सुख आपका प्रभाव है तो उसकी निरंतरता है क्या, है ना, और सुख मेरा स्वभाव है ऐसा अगर मैं देख पाता हूँ तो क्या वो निरंतर हो सकता है। तो सुख मेरा स्वभाव है तो उसकी निरंतरता है, लेकिन सुख मेरा प्रभाव है, कोई मान्यता है, कोई संवेदना है उससे, या दूसरे से मिलने वाला भाव है वो भी एक तरह का प्रभाव है, तो इससे सुख की निरंतरता नहीं है। तो ये मैं काफी क्षण देखने का प्रयास करता हूँ, और ये कंसेप्चुअली मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि सुख मेरा स्वभाव है, लेकिन जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 1 में कहा कि ये प्रभाव और स्वभाव कब मिक्स हो जाता है वो बहुत ध्यान देने पे फिर वो ध्यान आता है कि नहीं सुख स्वभाव है। तो कंसेप्ट रूप में ठीक है कि सुख मेरा स्वभाव है, जीने के रूप में भी जैसे 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 जो ये कहते हैं ना कि मानना ठीक नहीं है, तो अब एक ये दुविधा कह लीजिए या शायद यही समझने का की प्रक्रिया हो कि इस कंटेंट को मैं बहुत अच्छे से मानने लगा हूं, उसमें जांचने पर रखने का भी काम कर रहा हूं, लेकिन मान के ही कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ऐसा ठीक है। कई सारे तर्क देके वर्कशॉप में देख लिए और वो तर्क फिट बैठते हैं तो मान के चल रहा हूं, और फिर जी के देखता जा रहा हूं, उसमें कई सारी चीजें ठीक दिखती जा रही हैं तो उनको और जीने का प्रयास कर रहा हूं, शायद यही सहज प्रक्रिया है वस्तु को समझने की। क्योंकि ये स्थिति तो अभी अपनी नहीं बनी है कि कंसेप्ट को सीधे सीधे देख लिया जाए और देख के सह स्वीकृति के आधार पर जांच लिया जाए और फिर कहा जाए कि भाई ये ठीक है और जी के देखा, ऐसी स्थिति नहीं जो वर्कशॉप में रहते। तो फिर ये बात जो है कि सुख अगर मेरा स्वभाव है ऐसा मैं है ना दिखता है मुझे, तो क्या अपने में उसे सुनिश्चित करने का क्या कार्यक्रम मैं बना पा रहा हूँ। तो अनुकूल संवेदना पाने का है ना, या अनुकूल भाव पाने का पहले तो बहुत, इनफैक्ट पूरा पूरी जर्नी ही इससे भरी हुई थी, मतलब भाव क्या है ये अभी भी
कई बार डाउट रहता है, कंसेप्चुअली डाउट नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो मेरा ध्यान इंटरेक्शन पे है और उसके चेहरे पर है, उसके शब्दों पर है, तो ये बेसिकली अनुकूल संवेदना और भाव की बात है। इसमें अपने अंदर सुख को देखने की बात नहीं, तो सुख मेरा स्वभाव है, इसकी अस्पष्टता ये बताती है कि ना, से ये इंगित हो जाता है कि मुझे अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कंटेंट में भी अगर मान लीजिए वर्कशॉप में सुन रहा हूं या कोई भागीदारी कर रहा हूं तो पूरा ध्यान दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, अभी भी बहुत समय रहता है। लेकिन अब ये मेरी एक मेरा एक लंबा संस्कार है और लंबे अभ्यास से, जैसे क्लास में भी मैं जब पढ़ता था तो भी टीचर से क्या पूछ लूं कि वो या तो वो फंस जाए ना बता पाए, या उसको ये लग जाए कि नहीं ये बहुत ठीक बच्चा है, तो वो एक लंबे अभ्यास के तहत ये सब मैं तैयार हुआ हूँ, तो वो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन चला जाएगा, ये मुझे अब विश्वास हो रहा है कि जो पहले मुझे नहीं लगता था, पहले मुझे लगता था कि ये सब बातें स्पेशली एक्सरसाइज को लेकर तो मुझे काफी डाउट था कि कैसे हो जाएगा, सीधे सीधे मैं कल्पनाशीलता देख लूंगा और लगातार तटस्थ होकर देख लूंगा, तो जो सर ये बात कहते थे कि धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, धीरे धीरे आपको उनमें से जो चीजें सह स्वीकार नहीं है वो अपने आप सूखे पत्ते की तरह ना झड़ जाएंगी, है ना, आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो पहले मुझे लगता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब मैं इस बात को कर पा रहा हूँ और ये देख पा रहा हूँ कि ये होगा। समय कितना लगेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने प्रयास कितना किया है, तो प्रयास में जैसा कि बताया 20-25 मिनट कर रहा हूँ या देख पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी मुझे देख पा रहा है या समझ में आ रहा है वो बहुत सहज विधि से हो रहा है, इसलिए मुझे ठीक लग रहा है, बहुत मेरी कोई तेज गति नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसमें मैं आराम कर, मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रयास में नहीं कर रहा हूँ, और ज्यादातर पोर्शन मेरे समझने का या ध्यान देने का वो वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन के थ्रू हुआ है, तो इस बात को भी मैं बहुत ही सरलता से एडमिट करना चाहूंगा कि वर्कशॉप्स में हर एक तरीके का पार्टिसिपेशन मेरे लिए बड़ा उपयोगी रहा, क्योंकि उससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं है। मैं क्लास में एक तरह का माहौल होता है, ऑफिस में मीटिंग में एक तरह का माहौल होता है, वहां ये एक्सरसाइजेस थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहां अपने को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और हमारा अपना पूरा पुराना अभ्यास है, लेकिन वर्कशॉप से एक अच्छा माध्यम है अपने पे काम करने का। तो इनिशियली मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स के बहुत फेवर में नहीं था, ऑनलाइन के किसी इवेंट के बहुत फेवर में नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई समय नहीं है अपने लिए काम करने के लिए, बाहर क्या होगा वो एक बहुत योग संयोग की बात। तो इतना है कमिटमेंट के बारे में, मैं काफी सोचता रहता हूँ कि ऐसा करूंगा, लेकिन उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा कर पाता हूँ, बहुत ही छोटा सा, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को जब देखता हूँ पार्टिसिपेट करते हुए तो मुझे अपना कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा लगता है, बहुत ही थोड़ा लगता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से किसी न किसी रूप में मैं 2 घंटे देने का प्रयास तो करता हूँ, और मेरा अपना कमिटमेंट भी है कि अब इससे ज्यादा सटीक और उपयोगी अभी तक ना कोई वस्तु और ना ही कोई प्रक्रिया अभी तक तो नहीं मिली मुझे, अब इस जर्नी में कभी मिल गई तो इसको लेकर एक जो मेरा स्नेह है वो कम हो जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात मुझे अभी तो नहीं मिली, तो बना इसके साथ बने रहना, इसके लिए कंट्रीब्यूट करना, ये
मेरी बाध्यता भी है, और क्योंकि समझना तो एक मेरी सह स्वीकारिता है, तो समझने के लिए अगर ये वस्तु मुझे ठीक लग रही है तो इसके साथ बने रहना ये मेरे लिए उपयोगी भी है। और कई बार जब मेरा मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, तो फिर क्या ही करना, तो मुझे बाध्यता के तौर पे भी लगता है कि और करेंगे भी क्या, इसी को कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा अपना कमिटमेंट बहुत सारे द्वंद के साथ चलता है। और लेकिन आप सभी लोगों का सहयोग रहता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ 6-7 सालों में कर पाया। तो इतना मुझे भैया शेयर करना। नमस्ते। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही बारीकी से अपनी स्थिति को भी रखा और एक एक स्टेप में आप कैसे गति कर रहे हैं उसको भी रखा, और बिल्कुल एक स्पष्टता और रहस्यता के साथ पूरी बात आपने रखी। तो बहुत ही प्रेरणादायक आपका शेयरिंग रहा। मुझे लगता है कि आपके इस तरह के शेयरिंग से आगे जो आने वाली शेयरिंग्स हैं उसको भी एक गाइडेंस मिलेगा, इतनी बारीकी से चीज़ों को देखा जा सकता है और अपनी स्थिति का मूल्यांकन भी किया जा सकता है और सबके साथ एक संबंध के भाव का शेयर भी किया जा सकता है। बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी जी।